द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब किसान की अगर हम बात लें, पट्टे पर कौन ले रहा है? किसान जो सबसे गरीब है, मार्जिनल फार्मर है, वो पट्टे पर लेता है। आप उसको कह दो कि आप धान नहीं उगा सकते तो उसकी कमाई क्या होगी? और आपने उसकी एवज में उसको क्या दिया है? आप बहाना लेते हैं भूजल संरक्षण का। पिछले साल भी आपने ये बहाना लिया, आपने कहा कि मक्का उगाएं, धान ना उगाएं, पैडी ना उगाएं। बीज जो दिया बिल्कुल फेल हुआ। 2000 रुपया इंसेंटिव देना था वो नहीं दे पाए। इस बार कह रहे हैं 7000 देंगे हम। कोई इन पर विश्वास कैसे करे? या तो पिछली बार आपने कुछ करके दिखाया, आप वो नहीं कर पाए। अब आप कह रहे हैं कि जो उगाएगा उसकी हम हर प्रकार की सब्सिडी बंद कर देंगे। किसान की MSP पर उसका धान नहीं खरीदेंगे, मतलब और दिक्कत में किसान को डाल देंगे। अभी तो किसान इस सरकार के नीचे इनके हर एक कदम से मरता चला गया है। जब से इनकी सरकार आई है, ये किसान विरोधी सरकार है। इनकी जो प्लान है, आप इस बात को समझ लीजिए, आगे आगे ये MSP पर भी इनकी नज़र है। अभी हाल ही में चाहे सरसों की बात थी, गेहूं की बात है, खरीद घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, पेमेंट किसान की हो नहीं रही, तो तरह तरह की बातें। साथ में आप कहते हैं कि 50 हॉर्स पावर वाले आप को जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनको बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। ना नए कनेक्शन आप दे रहे, जो पुराने हैं उनको आप बंद कर दोगे। एक और मार, मार पे मार, किसान के ऊपर, गरीब के ऊपर, छोटे किसान पे, बड़े किसान पे, ये किसी किसान को बख्शने वाले नहीं। हमारे यहाँ का जैसे जाखल एरिया है, सिरसा है, अपना रतिया है, आगे आप चलिए सीवन, गुला चीका, पीपली, इस्माइलाबाद, बबैन, ये सब ब्लॉक्स हैं इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा चावल दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में जाता है, तो आप तो हर तरह से अर्थव्यवस्था पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, हम पहले से कह रहे हैं। और इनकी एक एक हरकत, एक एक इनका जो ये सरकारी तुगलकी फरमान, इस बात को साबित करता है कि ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार। साथ में जुड़े हुए कई मुद्दे हैं किसान के, मजदूर के, आज हमने बात भी की है, कल भी हम एक कैंपेन करने जा रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन चलेगी कांग्रेस पार्टी की। जो ये इस तरह के मुद्दे हैं उनको हमने उठाना है। हम चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को जो नॉन पे इनकम टैक्स जो नहीं देते, सबके हाथ में राहुल जी ने कहा कि 10,000 रुपया फौरी तौर पर दो और उसके बाद 6 महीने के लिए 7,500 रुपया सबके खाते में आप डालो, ताकि लोगों के हाथ में कुछ पैसा तो हो। आज के दिन तो किसी के हाथ में कुछ पैसा बचा ही नहीं है। शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग धान बंदी की नादरशाही जो चौटाला सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हजारों हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, हजारों हजारों किसान आज यहाँ नहीं है। ये सांकेतिक धरना है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे लोगों को नहीं बुला सकते। महत्वपूर्ण विषय ये है कि रतिया में, जैसा शैलजा जी ने बताया, 1,01,000 एकड़ पर अब आप खेती नहीं कर सकते धान की। 75,000 एकड़ में सरसा ब्लॉक के अंदर धान की खेती नहीं हो सकती। 1,39,000 एकड़ में कैथल में सीवन और गुला चीका में नहीं हो सकती। 1,40,000 एकड़ में धान की खेती पर बबैन,
इस्माइलाबाद, पीपली इत्यादि दिया है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी पीपली से लेकर सरसा तक किसान धान की खेती कर ही नहीं सकता तो किसान रोजी रोटी खाएगा कैसे। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां आए, जैसा शैलजा जी ने कहा, वो झूठ की खेती करके चले गए, लोगों को बरगला और गुमराह करके चले गए। दुष्यंत चौटाला जी ने यहां आपकी मौजूदगी में कहा, आपने वो वीडियो चलाया कि खेती पर कोई प्रबंध नहीं, ये बहन जी दिखाएंगी आपको। तो ये 9 मई 2020 का आदेश क्या है? क्या इसमें, क्या इसके अंदर सबसे पहले रतिया और फिर उसके बाद सीवन और सरसा का नाम नहीं लिखा? क्या ये 41,001,001 एकड़ भूमि नहीं बनती? क्या ये सरसा में 75,000 एकड़ भूमि नहीं बनती? दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब आज भी किसान को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, ऊपर से कहते हैं हम आपका, अगर आपने धान उगाया तो हम आपका धान ही नहीं खरीदेंगे, जैसा शैलजा जी ने बताया। ये कहते हैं सब्सिडी खत्म कर लेंगे, कल आप किसान का सांस लेने का जीने का अधिकार छीन लेंगे। ये तो अंग्रेज की सल्तनत ने नहीं किया, जमीन किसान की, उसके बाप दादा की मलकियत। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला कौन होते हैं? नादरशाही तरीके से धान बंदी करने वाले। इसीलिए शैलजा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह संकल्प लिया है, आपने मुझे कहा था, इसलिए हमने एक धरना पहले ही गोला चीका में लगाया है, एक इस्माइलाबाद में लगाएंगे, एक शाहबाद में लगाया है और आज रतिया में आपके नेतृत्व में धरना किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है आपके नेतृत्व में कि जब तक ये काला आदेश, किसान विरोधी 9 मई 2020 का आदेश वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये कांग्रेस का संकल्प। दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आए थे जी, और जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के बुलाने के बाद तो ये कर रहे हैं प्रदर्शन, ये जा रहे हैं, वो नजर नहीं आते, उन्हें किसान की पीड़ा आती। ये प्रजातंत्र है, इसमें अर्श से फर्श तक का समय जनता और किसान तय करवा कर दिखाएगा, ये हमें विश्वास है।